नवाबों के शहर पहुंची कैलाशी देवी। ऊंचे ठाट बाट, अनोखे अंदाज, कभी अपनी अदाओं का जादू चलाती, तो कभी गाती गुनगुनाती। ये है सुधा चंद्रन। इनका हर किरदार इतना दमदार रहा है कि दर्शकों के दिल में छाप छोड़ गया है और दर्शक इनके हर किरदार को याद भी करते हैं। लेकिन अब सुधा चंद्रन बन गई हैं कैलाशी देवी कलर्स की सीरियल डोरी की। और आज सास बहू और बेटिया संग वो पहुंच गई हैं नवाबों के शहर लखनऊ में करने वहां का सैर सपाटा। चखने वहां का सायका, करने वहां की स्पेशल चिकनकारी की खरीदारी, और रंगने लखनऊ के रंग में। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं कि कैसे ये सुधा चंद्रन से बनती है कैलाशी देवी। हाय गाइस, मैं हूँ सुधा चंद्रन और आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं नाइटी में कर क्या रही हूँ। क्या कर रही हूँ, लखनऊ में हूँ, लखनऊ की सुबह एंजॉय कर रही हूँ। ओ माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही एक रॉयल फील महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद। वी आर स्टेइंग एट दी ताज एंड सवेरे उठते ही ऐसा लग रहा है कि सुनसान, सो सीरीन, सो नॉइस, नो नॉइस पोल्यूशन एंड देयर इज सो मच ऑफ ऑक्सीजन हियर। तो ऐसा लग रहा है कि इट्स सो फ्रेश। और आदमी उठते ही, वैसे एक सीक्रेट की बात कहूँ, हम लोग ना यार कल रात को 3 बजे पहुंचे लेकिन 7 बजे उठ भी गए, बट वी आर सो फ्रेश एंड द रीजन फॉर दिस इज दिस एम्बियंस, दिस ब्यूटिफुल एम्बियंस हियर जो इतना कलरफुल है, सो सीरीन, सो नाइस, सब वाइट 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 सा। कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हूँ ना मैं, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि मैं रेडी हो जाऊँ, बिकॉज अब वो वक्त आ गया है जब मैं जाऊंगी और मेकअप करूंगी। सो टिल आई गेट रेडी, टाटा, गुड बाय। वेल, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मेकअप करने जा रही हूँ और अब वो वक्त आ गया है कि मैं सुधा चंद्रन से केडी यानी कि कैलाशी ठकुराइन बन जाओ। कैलाशी ठकुराइन जो आप, जिसे आप देख रहे हैं सीरियल डोरी में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है बस देखते जाइएगा। मैं दिखाऊंगी आपको लखनऊ, लखनऊ की खूबियां। कहते हैं कि यहाँ तो मतलब एक शहनशाही अंदाज होता है, सो वही तो मैं इंजॉय करने जा रही हूँ, क्योंकि कैलाशी ठकुराइन जो है वो भी कुछ इसी अंदाज में जीती है। तो बस travel with me and have fun in Lucknow and let's explore Lucknow. वैसे बताना भूल गई थी, ये है हमारे रजवान दादा। Hello. क्योंकि जो हमारे technicians हैं पर्दे के पीछे, वो बहुत कम कैमरा के सामने आते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसका कारण है वो technicians जो दिन रात हमारे पीछे मेहनत करते हैं। So thanks to all the technicians with whom I've traveled in my life. Love you all. कैलाशी देवी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका पहनावा हो, मेकअप हो, ज्वेलरीज हो या अंदाज हो, सब में रईसी झलकती है। और इस किरदार में ढलने के लिए सुधा चंद्रन को लगते हैं करीबन 40 से 45 मिनट। अभी शुरुआत हुई है तो सबसे पहले अब रिवर्सल हो रहा है, पहले हम लोग बेस करते थे फिर हम आई मेकअप करते थे, लेकिन आजकल हमारे जो मेकअप दादा है वो पहले आईज बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत हो चुकी है आई शेडोज, और कैलाशी देवी को हमने बहुत ही मतलब लाउड नहीं रखा है, बहुत ही पेस्टल रखा है, बिकॉज ये औरत जो है वो ठकुराइन खानदान से बिलोंग करती है, बहुत अपने ट्रेडिशन को फॉलो करती है। सो वी हैव नॉट ओवर डन थिंग्स, जैसे आपने मुझे अलग दूसरे कैरेक्टर्स में देखा है वैसे हमने नहीं किया। और ख़ास तौर से कैलाशी ठकुराइन बनने के लिए वॉट वी फर्स्ट यूज इज अ नाइस मॉइस्चराइजिंग बेस, बिकॉज विंटर सेट इन कर चुका है,
सो वी डोंट वॉन्ट कि मेकअप क्रैक हो, सो वी यूज़ अ नाइस मॉइस्चराइजर फर्स्ट. बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर करते हैं एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू. मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ, हालांकि दिस इज़ एन हाईलाइटर प्राइमर. इसमें क्या है कि हल्का सा ना वो एक शाइन आता है, तो जब आप मेकअप करते हो तो वो शाइन स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग ड्यूरिंग द डे, तो वो एक ग्लो आने लगता है. एंड कैलाशी ठाकुरायन स्पेसिफिकली क्या यूज़ करती है, शी यूजेस दिस फॉर हर हेड. दिस इज़ दी हेड साइड में, अगर आपने देखा होगा तो वो चोटी डालती है और ये तीन सेट वो पहनती है, विच इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ कैलाशी ठाकुरायन. मेकअप में अगर हम देखें तो वी हैव यूज्ड मोर ऑफ, जैसे ये एक लिक्विड है. आजकल हर कोई लिक्विड में बिलीव करता है कि मेकअप लिक्विड से ही हो, बट चूंकि मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, सो मैं पैन स्टिक यूज़ करती हूँ पहले और उसके बाद मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ. बट दे से ओल्ड थॉट्स है, बट आई डोंट नो, आई लव दैट बिकॉज दे से कि जो हम सीख कर आए हैं उसे हम कैसे भूलें, है ना. चूँकि हम लोग डेली सोप करते हैं तो ज़रूरी है कि मेकअप के साथ साथ बाल भी बना ले. टाइम बचाना पड़ता है बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ टेलीकास्ट. सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि मेकअप दादा करते रहते हैं और प्रीति आती है और बाल बनाती है फटाफट फटाफट, ये हमारी हेयर ड्रेसर है जो हमारी हमारे साथ बेचारी दिन रात मेहनत करती है. एंड दे टेक सो मच ऑफ एफर्ट्स, सबसे पहले आते हैं सबसे लास्ट जाते हैं ताकि हम खूबसूरत दिखें. एंड जो भी हम बोलते हैं वो इतने रिलीजियसली वो लोग फॉलो करते हैं. सी द विच इज़ डन माय हेयर विच इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी विच इज़ द स्टाइल ऑफ कैलाशी ठाकुरायन. सो फर्दर आप और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, तो एक परफेक्ट लुक के लिए जो हम चीज़ें लगा कर उस लुक को हम एनहेंस करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. सुधा चंद्रन का मेकअप तो हो गया, लेकिन अब बारी है कैलाशी देवी के असली मेकअप की, यानी कि उनकी कुमकुम वाली बिंदी और माथे पर लगा सिंदूर, जिसके लिए खासा मेहनत की जाती है और साथ ही बालों में लगाई जाती है ज्वेलरीज, जिसे कैलाशी देवी की रॉयल्टी झलकती है. ये हम सिंदूर लगा रहे हैं वो इसलिए, चाहे तो हम स्टिकर कर सकते हो, लेकिन दिस कैरेक्टर हैज बीन केप्ट सो ऑथेंटिक कि वो सिंदूर लगाती है, कुमकुम लगाती है, और इसको हर रोज राउंड बने जरूरी नहीं है. इसलिए हमने इसका एक, मतलब दादा ने कुछ निकाला है, एक फार्मा बनाया है, तो बहुत इजी हो जाता है ये. आप भी ट्राई कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लगाते हैं तो कभी राइट गया तो कभी लेफ्ट गया. अभी हम दिखाते हैं कि कितना परफेक्ट आएगा ये. वॉच द मैजिक हैपन. मैजिक हैपेंस. मैंने कहा ना परफेक्ट राउंड, परफेक्ट राउंड, परफेक्ट राउंड. अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे. अब इस ढांचे को दादा करेंगे. अब बिंदी का हो गया, अब ऊपर वाला है जो हम मांग भरते हैं. हम इसे वी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि सामने से जो वो एक वी शेप में आता है ना, बट हमने बहुत कोशिश की. एक दिन वो वी होता है, कभी वो वाई हो जाता है, कभी इजर्ड हो जाता है, तो हमने कहा कि चलो इसके लिए भी हम फार्मा बना लेते हैं. अब दादा पूरा वो मांग पूरा भरेंगे, फिर उसके बाद ये जो वी है ना वो देखना वो कैसे करते हैं. बन गया ना परफेक्ट वी. अब ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, अब बचता क्या है, लिपस्टिक. एक्टिंग मैं करती हूँ और 50% लेंस कर लेता है. नेगेटिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि व्हेन यू वेयर द राइट लेंसेस फॉर द राइट कैरेक्टर इट रियली वर्क्स. बस अब द लास्ट स्पेल, जब मैं पूरी तरह से तैयार होके आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी और फिर आप देखिएगा व्हेन द मैजिक हैपेंस. Thank you.
ये है हमारी बनारसी साड़ियाँ जो कैलाशी ठकुराइन पहनती है, क्योंकि शी बिलीव्स कि साड़ियाँ जो है वो केवल साड़ी नहीं है, एक औरत की पहचान है। बस इसी टैगलाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी इस पहचान को ढूंढूंगी और आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय। कैसा लगा लुक, कैसी लगी हमारी साड़ी? हमने कहा था ना, कैलाशी ठकुराइन के लिए साड़ी केवल साड़ी नहीं है, उसकी पहचान है। लेकिन इस पहचान को कंप्लीट करने के लिए गहनों की भी ज़रूरत है। तो आइए, अब मैं गहने पहनूंगी जो फैशन स्टेटमेंट्स बन गए हैं। एंड जैसे आप देख रहे हैं, ये वो चूड़िया है, अगर हम चाहे तो इसे हम प्लास्टिक के बैंगल्स भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं, चूँकि हम बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ही संस्कारी है, अपने कल्चर को मानती है, अपने ट्रेडिशन को मानती है, इसलिए मेरी निंदिया मेरी बिंदिया ना उड़ा दे तो कहना। यस, दीज आर माई चूड़ीज एंड बहुत ही ऑथेंटिक बनारसी स्टाइल में हमने रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन रखा है। हम साड़ी के हिसाब से इसे मैच नहीं करते, बिकॉज वी हैव केप्ट दिस वेरी वेरी ट्रेडिशनल। हालांकि कांच के बांगड़ियों को, बैंगल्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट जहां सुधा चंदन है वहां नो कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज दिस ब्यूटिफुल सेट ऑफ बैंगल्स दैट आई एम वेयरिंग। और अब मैं पहनूंगी ये नेकलेस। Goes absolutely matching with the black blouse and it's very beautiful styling. बहुत खूबसूरत ज्वेलरी डिज़ाइन की गई है इस कैरेक्टर के लिए। एंड ये ऐसा भी नहीं कि लाउड है, बट बहुत ही क्लासी है। एक कोई भी आम आदमी जब किसी अच्छे फंक्शन में जाए तो ये पहन सकती हैं। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू जनरेट न्यू डिज़ाइन सो दैट यू पीपल फॉलो इट। और इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स भी हैं। आई थिंक दैट इज हाउ इट कम्प्लीट्स द लुक, राइट? तो ये कान के बालियाँ जो हम पहनते हैं, टॉप्स जिसे, बिकॉज मुझे वो लटकन वटकन उतना अच्छा नहीं लगता। फॉर दिस कैरेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर दिस स्टाइल एंड वेरी ट्रेडिशनल रिंग्स जो मैं पहन रही हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे, ये एक ऐसी मयूरी है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। आज से कुछ 35 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और ये तब से मेरे साथ ऐसे ही ट्रैवल कर रहा। सो आई थिंक दिस मयूरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट्स माय एक्स फैक्टर एंड इट्स माय लक फैक्टर। एंड दिस इज़ अनदर ग्रीन एंड रेड वेरी ट्रेडिशनल रिंग दैट आई एम वेयरिंग। सो दिस इज़ इट। बट एक चीज़ और बाकी है, नोज रिंग जो कैलाशी ठकुराइन हमेशा पहनती है। दिस इज़ अ खानदानी नोज रिंग दैट शी इज़ वेयरिंग, which is she travels with this. This doesn't change at all. Jewelry भले change हो, but ये जो है वो नहीं change होता। सुधा, तुम कैलाशी ठकुराइन हो, कैलाशी ठकुराइन बनो। कहा है हमारा वो? जी हुजूर, बोलो। हाँ, अब लगाओ। बन गई ना कैलाशी ठकुराइन? मुझे ओवरऑल ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए, मतलब अपने हिसाब से कोई भी ज्वेलरी पहनती थी, बहुत लाउड लगती थी, बट इसमें पहली बार मैं बहुत ट्रेडिशनल महसूस कर रही हूँ। एंड खास तौर से बहुत ही यूपीआइट वाली फीलिंग आ रही है, एंड माय हस्बैंड बिलोंग्स टू यूपी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि यूपी की बहू हो। मैं बोलती हूँ हाँ, मैं यूपी की बहू हूँ। सो माय हस्बैंड इज़ आल्सो लविंग दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं होता है ना कि जिस स्टेट से आप जुड़े हो और जब आपकी पत्नी वैसे ड्रेस करके आपके सामने आती है तो अच्छा लगता है। सो आई थिंक दैट इज दिस इज़ द टिपिकल यूपी लुक दैट वी हैव टेकन एंड द एंटायर टीम हैज़ वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज जब हम ये लुक डिज़ाइन कर रहे थे तो काफ़ी मतलब लुक्स हमने ट्राई किए एंड फाइनली आई थिंक इट्स अ टीम वर्क विच फाइनली केम ऑन टू दिस एंड वी कंक्लूडेड और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया। अब कैलाशी देवी का अंदाज ही इतना निराला है कि उसमें अदाएं दिखाना, सुरों का जादू चलाना, ये सब तो बनता है। सुधा चंद्रन संघ सबसे पहले पहुंच गए लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में, गाते गुनगुनाते और रील्स बनाते। सुपर एक्साइटेड, मैं लखनऊ में हूँ और घूमने जा रही हूँ। कई साल पहले यहाँ आई थी बट ये सारी चीजें, ये सारी जगह मैं नहीं देख पाई क्योंकि एक इवेंट के लिए आई थी, बस इवेंट की और मैं भाग गई। बट इस बार आई विल मेक श्योर कि मैं कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं जा रही हूँ इमाम बाड़ा, वहाँ जाऊंगी। जैसे इमामबाड़ा इज द हार्ट ऑफ लखनऊ, तो वही जाऊंगी और शुरुआत वहीं से करूंगी और पूरे लखनऊ को मैं ट्रैवल करूंगी। बहुत सारी जगह जाऊंगी, चाट खाऊंगी, नवाबों का शहर है वो ठाट मैं देखूंगी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर यू गाइज आर सुपर एक्साइटेड टू। तो चलो चलते हैं, शुरुआत हो गई। हमने क्रॉस किया गोमती रिवर। जिन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वाकई में वो चीजें हम देखते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं स्पेशली मैं भारतीय हूँ और भारत में जो चीजें हैं, जो जगह है जो हम नहीं देखते, अरे लोगों आओ देखो, इससे खूबसूरत देश कहीं नहीं है विश्व में। सो प्राउड टू बी अ इंडियन। हम लखनऊ के शहर में घूमने लगे हैं एंड दिस इज द ग्लोब पार्क। सो सिंबॉलिक क्योंकि यहाँ पर ग्लोब है एंड इट रिफ्लेक्ट्स एंड शोज कि विश्व जो है दैट इज द ग्लोब एंड इट इज सो ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड हियर। कितने आइकॉनिक प्लेसेस है यहाँ भैया। मुझे लगता है कि एक दिन में मैं ये सब कुछ नहीं कवर कर पाऊंगी, मुझे दोबारा आना पड़ेगा लखनऊ, क्योंकि ये दिल जो है ना, ये दिल मांगे मोर। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। अब लखनऊ आकर इमाम बाड़ा नहीं देखा तो फिर क्या देखा दोस्त। इट्स सो मच ऑफ फन कमिंग हियर। इतना हम सुनते थे बिकॉज लखनऊ इज द रिचेस्ट कल्चरल हेरिटेज, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेंटेन किया है। और आज मैं इतनी खुश हूँ, आई एम सो वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ आई हूँ एंड आई एम स्पेंडिंग सम लवली टाइम हियर। तो आइए देखते हैं वहाँ बड़ा इमाम बाड़ा, देखिए।
बड़ा इमाम बाड़ा आकर तो सुधा चंद्रन का दिल बाग बाग हो गया। वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके फैंस से हो गई, जिन्होंने भीड़ लगा दी और सुधा चंद्रन जी के ऊपर अपना प्यार बरसा दिया। कितने सालों बाद हमने तो टांगा शोले में देखा था, तब से बड़ी तमन्ना थी कि मैं भी बसंती बन जाऊं। आज कैलाशी ठाकुरायन बन गई है बसंती। मिक्स फीलिंग्स है, बिकॉज क्या है ना, दिन भर हम अपने सेट्स पे काम करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसे हम अनकंडीशनल लव करते कहते हैं। एंड आज के जमाने में जब लोगों के पास अपने लिए वक्त नहीं है, अगर वो आपके लिए वो थोड़ा सा वक्त अपनी जिंदगी से निकाल कर आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। एंड शायद लोगों का प्यार ही है कि आज इतने लंबे टाइम से मैं इस जर्नी को तय करती आ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बस इसी तरह मैं आगे भी चलती जाऊंगी। आत्मा की प्यूरिफिकेशन बेहद जरूरी है लाइफ में। जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, जितनी भी गलतियां कर चुके हैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और इस खूबसूरत नज़ारा को आप देखिए, बहुत ही प्यारा है। सुधा चंद्रन ने गोमती नदी के भी दर्शन किए, अपने मन को तृप्त किया और निकल पड़ी अपनी पेट पूजा के लिए। आफ्टर ऑल घूमते घूमते भूख भी तो लगती है। हाँ तो भैया, लखनऊ घूमते घूमते अब भूख लगने लगी है, तो मैं ऑब्वियसली लखनऊ आऊँ और चाट ना खाओ, इसलिए आज अभी मैं यहाँ आई हूँ रॉयल कैफे, जहाँ पर बास्केट चाट बहुत ही फेमस है। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ लखनऊ और चाट ना खाए ऐसा तो ना हो सका भाई। चलो चलो हम लोग जाके खाएंगे। भैया यहाँ एक शर्त है, खाने से पहले खुद बनाना भी पड़ता है। चलो 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 भैया हम बनाएंगे। ये आलू की हमारी टोकरी है। जी बिल्कुल, इसको 1992 में यहीं से जन्म लिया था। ठीक है, आज की तारीख में दुनिया के 184 मुल्क हमारे यहाँ पर। कितना? 184 मुल्क इनके हाथों से खा चुके। ये इस तरफ आलू टिक्की है देसी की। जी जी हाँ। ये आलू टिक्की है। ओके। और ये है हमारे दही भल्ला। जी ये उड़द की दाल का दही भल्ला है। और ये है इस तरफ पापड़ी। ठीक है। और ये है लपेटू छोले। इसको अच्छा। इसका नाम क्यों पड़ा लपेटू छोले? कि कौन सा छोले? लपेटू छोले। जो भी खाता है वो मेरे गले से लिपट जाता है, इसलिए नाम इसका लपेटू छोले पड़ गया। ये देखिए, ये लपेटू छोले। ये है चाट मसाला। जी ये कुटी मिर्च है। देखो भाई जी 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 अब ये है, एक पापड़ी डाल देते हैं। ये क्या है? ये पापड़ी चाट। पापड़ी चाट इसमें अजवाइन है जी। इसे पूरा बना जाएगा। जी जी भाई वाकई लखनऊ का असली चटपटा स्वाद तो रॉयल कैफे में ही मिलता है। और सुधा चंद्रन ने यहाँ पर एक नहीं बल्कि हर प्रकार की चाट पकौड़ी खाई और अपने दिल मन दोनों को ही तृप्त किया। हाँ।
अब सुधा चंद्रन निकल पड़ी हैं अपनी जेब खाली करने, या यूं कह लो शॉपिंग करने, क्योंकि ये तो औरतों का फेवरेट काम है। पेट पूजा भी हो गई, बट वो औरत ही क्या जो शॉपिंग ना करे। नेता हो या अभिनेता, औरत बिना शॉपिंग के तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी मैं आई हूँ यहाँ लखनऊ आए, और चिकनकारी सूट्स या चिकनकारी साड़ी मैं ना खरीदूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आई कान स्टॉप में सर, वहाँ देखो तो सही यार, हो सकता है कि बनारसी के साथ कोई मिक्स करके चिकनकारी को एक कुछ इनोवेटिव कर ले। यू नो ये कैलाशी ठकुराइन का दिमाग है, खुराफाती दिमाग है, अगर वो एक फ्यूजन करने लगेगी तो हो सकता है वो भी हिट हो। चलो एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। चलिए लवली, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? थैंक यू। हाँ तो आप हमें कुछ सूट्स दिखाइए ना। थैंक यू जी। तो कुछ चिकनकारी सूट्स दिखाइए ना, कॉटन में दिखाइए, रेगुलर पहनने के लिए। बहुत बहुत पहनती हूँ मैं, इनफैक्ट जब मैं लखनऊ आई तो मैं चिकनकारी ही पहन के आई थी कल जब मैं फ्लाइट में, और इसी कलर यही था, पिंक एंड वाइट था। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, ये कैलाशी ठकुराइन के लिए लेकर जाऊँ या फिर अपनी बहुओं के लिए लेकर जाऊँ? लेकर जाऊँ बहुओं के लिए, क्या कहना है आपका? मेरी तीन बहुएं हैं, एक सुधा जो ऊपर कमरे में बंद रहती है, दूसरी मानसी जिससे मैं प्यार तो करती हूँ, हाँ शायद उसके लिए भी मैं लेकर जा सकती हूँ, लेकिन जो कोमल है, जो मेरी हमशक्ल है, मेरी तरह बनने की बहुत कोशिश करती है, उसके लिए भी मैं लेकर जा सकती हूँ। तो मेरी तीन बहुएं हैं, उनके लिए तो मैं ले जाके ना उनका दिल खुश कर ही दूंगी आज। खुद के लिए मैं वही सोच रही हूँ, अनारकली तो बहुत ही खूबसूरत है, कुछ नया सा लग रहा है मुझे, बहुत क्लासी भी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पर भी जाए थोड़ा सा क्लास और अच्छे कपड़े आप पहनते हो तो वो आपके कल्चर पे और आपके अपब्रिंगिंग पे रिफ्लेक्ट करता है। तो वाइट हमेशा इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, तो वाइट में माई फेवरेट कलर है, तो मैं कोशिश करूँगी कि यही मैं लेकर जाऊँ। बट एक बार मैं, चूँकि मैं एक औरत हूँ तो सौदेबाजी तो मैं करती हूँ, थोड़ा सा मैं बार्गेनिंग करूँगी, फिर देखूँगी प्राइस पड़ गई तो फिर ये अपने पास, ये चलेगी मेरे साथ मुंबई। हाँ तो दोस्तों चलो, हम लखनऊ आए, सवेरे से निकले हुए हैं, जगह जगह देख लिया, लखनऊ के जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है वो सब हमने देख लिया, उसके बाद पेट पूजा भी हो गई, शॉपिंग भी कर ली। हाँ अब हम थक गए हैं, अब हम जाएंगे रेस्ट करेंगे और कल सवेरे हम चले जाएंगे मुंबई। भाई मुंबई नहीं जाएंगे तो डोरी आप कैसे देखेंगे? मैं जाऊंगी, मैं शूट करूंगी, तभी तो एपिसोड्स टेलीकास्ट होंगे, है ना? तो हम जा रहे हैं मुंबई और आप देखते रहिए डोरी ऑन कलर्स मंडे टू संडे ओनली एट 9 PM। बाय। अब सुधा चंद्रन हो या फिर इनका किरदार कैलाशी देवी हो, दोनों ने ही लखनऊ में जमकर मजा किया। उम्मीद करते हैं कि कैलाशी देवी संग ये लखनऊ का सैर सपाटा सभी दर्शकों को खूब भाया होगा। लखनऊ से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। वेल, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।